लोग तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि कल मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और मैंने सबसे पूछा था कि भाई मैं रमजान के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ या उमरा शॉपिंग, जो कि अम्मी लोग गए थे उमरा में। तो मैंने सिर्फ अनबॉक्सिंग शॉपिंग ही मैंने बताई थी, मतलब मेरे लिए अम्मी क्या लाए, इकरा के लिए क्या लाए, वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई ही नहीं थी। तो फिर मैंने सबसे पूछा कि भाई कौन सा व्लॉग अपलोड करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले उमरा शॉपिंग पे, मतलब वीडियो है जो अपलोड कर दे। तो कल मैं ना शूट नहीं कर पाई, मैंने बहुत ही मतलब कोशिश की कि मैं शूट कर लूँ, फिर बहुत लेट हो गया तो मुझसे शूट हो ही नहीं पाया। तो इसलिए आज ही वो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आप सबके लिए। तो बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए अपनी बहन को। तो चलो ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ और ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं बताऊंगी कि अम्मी क्या लाए हैं इकरा के लिए। तो देखिए इकरा के लिए एक ये वाली वॉच है, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। बहुत सी चीज़ें हैं जो इकरा ने घुमा भी दी है, मतलब बच्चे लोग होते हैं अपनी चीज़ों से, और बहुत सी चीज़ें तोड़ भी डाली है। तो ये पहली चीज़ है इकरा के लिए, ये वॉच। और फिर दूसरी चीज़ है माशाल्लाह से, ये मुझे बहुत प्यारी लगी। तो देखिए इस तरह का ये बैग है, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब जाते हैं ईद वगैरह में, और यहाँ सच में मैं भी छोटी थी, ईद में जाती थी तो इस तरह के बैग ले जाती थी और लोगों के हाथ चूमती थी, तो ईदी मिलती थी तो इसमें ईदी भी रखते थे। अभी इकरा इतनी बड़ी तो है नहीं कि मैं उसको भेजूंगी ईद में। तो ये वाला जो बैग है काफ़ी अच्छा है, देखिए पूरा इसमें वर्क है, डायमंड वर्क, तो बहुत अच्छा है। और इस तरह की इसमें चेन दी है, तो ये स्पेशल इकरा के लिए ही मम्मी लाए थे। उसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर कुछ रबर बैंड है जो कि इकरा के लिए है, जो कि मैं उसकी हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरह से देखिए बहुत सारे रबर बैंड है, और कुछ रबर बैंड मैंने इकरा को पहना भी दिए, यूज़ भी करा दिए हैं। तो ये जब मैं इकरा को कभी लगाऊंगी तो ये मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये भी देखिए एक ब्लैक वाला भी है, सिंपल वाला। और उसके बाद कुछ ये ब्रोच है जो कि हम अबाया में लगाते हैं, तो इस तरह से जब हम स्कार्फ वेयर करते हैं और पिन लगाते हैं, ये इसमें भी सूट हो जाएगा और इकरा को भी मैं एज अ हेयर स्टाइल भी कर सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरह के ब्रोच है। तो वहाँ पर ये ना ये सारी चीज़ें जो मदीना मक्का में ना टॉप 10 में मिल जाती है, बहुत ही सस्ती वाली, क्योंकि मैं भी जाके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर भी इस तरह का देखिए ब्रोच है, और ये भी कुछ इकरा के लिए ही है, या मेरे लिए भी मान लो, मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ हेयर स्टाइल के लिए है। ऐसे साइड में लगा दो, ऐसे लगा दो तो अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं अभी इकरा के जो हेयर है वो बड़े कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इसका यूज़ भी होगा। और यहाँ इस तरह का एक ब्रेसलेट है जो कि इकरा का एक और था, यहाँ पर वॉच बनी हुई थी और इकरा ने वो तोड़ दिया है, तो ये एक और ब्रेसलेट है, बहुत सा क्यूट सा है। और ये माशाल्लाह से ब्यूटीफुल हार है, देखिए मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये इकरा के लिए है, बहुत ही प्यारा है। देखिए पहले इसकी इयररिंग्स देख सकते हो आप, रेड रोज बना हुआ है इस पे, देख सकती हो रेड रोज वाला जो हार है। और ये है इसका ब्यूटीफुल सा नेकलेस, देखिए इस तरह का है, इसको मैं भी ऐसे तो वेयर कर सकती हूँ, देख सकती हो बहुत ही प्यारा लग रहा है, रेड रोज बने हुए हैं इस पे, बहुत क्यूट वाला लग रहा है। वैसे इकरा पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो जब मैं इकरा को रेडी करूँगी तो ये कभी ना कभी तो वेयर कराऊंगी ही। तो ये तो रख देते हम साइड में। और ये है कुछ इस तरह की माला जो कि बच्चों के ऊपर काफ़ी अच्छी लगती है, और वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि जो स्कार्फ है ना बार बार मेरे फेस पे चिपक रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा लगता है। इतनी बड़ी वीडियो शूट की और उसके बाद देखा कि वीडियो उतरी ही नहीं, तो अब दूसरा पार्ट में इस तरह से शूट करी, इतनी मेहनत, बाप रे बाप। यहाँ देख सकते हो सारा कुछ दिखा दिखा के बैठ गई हूँ और वीडियो देखा तो उतरी नहीं, तो अब फिर से स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद आता है ये वाला ज्वेलरी सेट जो कि अमीर लोग लाए थे अहमदाबाद, सॉरी बॉम्बे से लिया था, ये सऊदी से नहीं लिया था। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, देखिए गोल्डन में है, बहुत ही प्यारा है ये वाला, तो इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद ये ड्रेस है देखिए इस तरह का, इस टाइप का ये ड्रेस है, उसका पिच कलर है, प्यारा सा पिच कलर है, और ये पूरा वर्क है देखिए। और उसके साथ है ये ट्राउज़र और अस्तर, और ये दुपट्टा है, दुपट्टे में ना इस तरह की लेस बनी हुई है और बुट्टी है, तो इस तरह का दुपट्टा है और पीच कलर का, बहुत प्यारा लगता है। बताइए कि कैसा लगा आपको ड्रेस। अब आते हैं सेकंड ड्रेस पे, तो ये हमारा सेकंड ड्रेस, ये ग्रीन येलो मिक्सिंग लगता है मुझे, इसका कलर एग्जैक्ट समझ में नहीं आता मुझे। तो ये है देखिए, पूरा वर्क है,
नेक पे, और पूरा बुट्टी वर्क है, हैवी है, दामन वर्क है, देख सकते हो पूरा। ये स्लीव्स है, देख सकते हो पूरी, इसका भी अस्तर का, और शलवार बोलो ट्राउजर बोलो उसका आ जाता है इसके साथ ही। और ये शाइनिंग कपड़ा है, मिक्सिंग है कॉटन के साथ। उसके बाद आता है इसका दुपट्टा जो कि बहुत ही प्यारा है। देखिए ये है इसका दुपट्टा जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। पूरा वर्क है दुपट्टे में, जो तिलड़ी वर्क बोलते हैं वो है, और बुट्टी भी है, तो इसका भी कलर काफी अच्छा लगता है। उसके बाद आते हैं हम मेरी फेवरेट चीज अबाया पे, जो कि हम वही वेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिस्ता कलर का ये अबाया है, बहुत ही प्यारा, और इसका फैब्रिक जूम फैब्रिक है, और इसके अंदर ये प्यारी सी लेस बनी हुई है, जो कि इसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और इसकी स्लीव्स में कोई भी काम नहीं है। तो ये है बहुत ही प्यारा सा अबाया। तो इसका मैं एक बार आपको पूरा लुक बता देती हूँ। तो ये है इसका फुल लुक, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। उसके बाद आता है ये सऊदी स्टाइल में जो अबाया है, सऊदी में ये लोग बहुत ज़्यादा, ये सऊदी है, दुबई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइप के अबाया वेयर करते हैं, क्योंकि ये पूरा ओपन अबाया होता है। देखिए सिर्फ इसके ऊपर यहाँ पर जो बटन आएगा, सिर्फ एक बटन आएगा इसके ऊपर, ताकि अंदर जीन्स वगैरह भी वेयर करती है गर्ल्स, तो इस तरह का है। बट मैं सोच रही थी कि मैं इस पर बटन लगा दूंगी, क्योंकि हम लोग इस तरह का अबाया वेयर नहीं करते हैं। और इसकी जो स्लीव्स है काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो, उसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, ब्लू एंड वाइट। तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये होता है हमारा सेकेंड अबाया, सॉरी। उसके बाद ये वाला मेरा फेवरेट एंड फेवरेट वाला अबाया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो लुक है वो दुबई लुक, सऊदी लुक ऐसा ही है, क्योंकि इस पर जो डिज़ाइन बनी हुई है देख सकते हो, गोल्डन वर्क है, और इसका जो कलर है बिस्किट कलर से मैच है कलर इसका कुछ, तो इस तरह का इसका वर्क है, और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, जूम फैब्रिक और सॉफ्ट फैब्रिक है। उसका वर्क देख सकते हो, पूरा नेक बना हुआ है, और बहुत ही सिंपल और सोबर लुक देता है। तो ये होता है हमारा थर्ड अबाया। तो वैसे तो हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब एक और चीज़ बची है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ गोल्ड है जो कि मदीना या मक्का से मिल आए थे। पहले मैं आपको ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से ब्यूटीफुल, देखिए अच्छी सी तकती है, नेकलेस देख सकते हो, ये अम्मी अब्बा हम लोग के लिए लाए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ दिखाती हूँ, गोल्ड की इयररिंग्स, जो कि बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, इसका लुक और उसकी जो बनावट है बहुत ही अच्छी लगती है, देख सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी लगती है। तो बस ये उमरा शॉपिंग जो जो अम्मी लाए थे वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। बस आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप भी मुझे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, और इन सारी चीज़ों में से जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बस आपके लिए, आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि वीडियो भी बंद हो गई थी, दो बार मैंने इस तरह से शूट किया, और तो मैंने इतनी मेहनत की, तो बस थोड़ा लाइक तो बनता है, और व्यूज़ भी भर के दीजिए, और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो चलो चलते हैं, इस तरह के एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।